दोस्तों ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही हिल गया। 99% लोग नहीं जानते कि जिसे भगवान कहा जाता है, जो सर्वशक्तिमान है, आखिर उनको किस वीर योद्धा ने 12 घातक तीरों से लहूलुहान कर दिया। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को 2 विकल्प दिए थे। पहला ये कि वह भगवान श्री कृष्ण जो कि निहत्थे होंगे उनको चुने, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कि कभी हारी नहीं थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण भगवान को। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण जो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो आखिर वह ऐसा कौन सा योद्धा था जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, मतलब 12 घातक बाण छोड़े थे। तो चलिए यही सब जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में आपकी क्या राय है उसको ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण थे। चौंक गए ना आप? आपने बिल्कुल सही सुना। उस समय हुआ ये था कि दानवीर कर्ण को 12 तीर भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ने पड़े। ये बात थी महाभारत युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारी असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति यही थी कि वह अर्जुन को खत्म करना चाहते थे, और अर्जुन यह चाहते थे कि वह कर्ण का खात्मा कर दे, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनवर्धन मानते थे। और फिर वह समय भी नज़दीक आ गया जब कर्ण अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय ले लिया। ये बात सुनकर आप चौंक जाएंगे कि इसी सर्प बाण को कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। असल में यह बाण पाताल लोक में अशोक सेन नाम का एक सांप था, जो कि अर्जुन का पुराना शत्रु था और उसकी शत्रुता का कारण था। खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था, और जो सर्प रह रहे थे खांडव वन में उनको वहां से हटा दिया था। अशुसेन तभी से अर्जुन को मारने की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल में, महाभारत में आपने देखा होगा कि वह कहते हैं कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नाम से दर्शाया गया है। कोई अशुसेन कहता है तो कोई अशोक सेन कहता है। तक्षक नाग को मुख्य युद्ध के तौर पर पहले ही कर्ण ने तीर के रूप में चुन लिया था, क्योंकि वह जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वह मौके की तलाश में थे। जब कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना लगाया, अर्जुन बाण का रूप धारण किए हुए नाग को पहचान नहीं पाए, बल्कि अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया, और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए उस प्रज्वलित बाण को बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण युद्ध स्थल में खेल सा करते हुए अपने उत्तम रथ को तुरंत ही पैरों से दबाकर उसके पहियों के कुछ भाग को पृथ्वी में धसा दिया। साथ ही सोने के साज बाज से ढके हुए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उनके घोड़े भी धरती पर घुटने टेक कर बैठ गए। उस समय आकाश में सब ओर महान कोलाहल गूंज उठा, और तीर अर्जुन के गले के बजाय उनके मस्तक यानी कि उसके मुकुट को छिटी कर धरती पर जा गिरा। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया, और इसी समय जब अर्जुन रथ के धसे पहियों को बाहर निकालने के लिए उतरे ही थे कि ठीक तभी कर्ण ने मौका देखकर अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया। और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। इस समय मौके पर 12 तीर मतलब 12 घातक बाण श्री कृष्ण के शरीर में धस गए।
पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया तो अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए अपने परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से श्री कृष्ण को लगे थे 12 तीर। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि कर्ण मरते समय भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा था, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है उसको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।